अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो जिस तरह का टाइटल में मेंशन मैंने किया है कि ऑयली स्किन वालों के लिए ये वीडियो है, ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए। अगर आप लोग ये वाले स्टेप्स फॉलो करोगे तो आई एम 100% श्योर कि आप लोगों की फाउंडेशन बहुत ही अच्छी लगने वाली है और लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले माइसेला वाटर से आप लोगों ने अपना जो पूरा फेस है ना उसको क्लीन कर लेना है, ताकि जितनी भी डर्ट है, जितना भी ऑयल है वो आपके फेस से रिमूव हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग किस तरह किसी के इस तरह के फंक्शन पे जा रहे हो कि आप लोग चाह रहे हो कि आपकी फाउंडेशन पूरा दिन रहे, तो ऑयली स्किन वालों के लिए जो ऑयल फेस के ऊपर आना है ना वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और उससे सारी की सारी आप लोगों की बेस जो है ना वो क्रैक हो जाती है, केकी हो जाती है। तो ये स्टेप जो है ना मैं लाजमी रिकमेंड करूँगी कि आई स्लो और अच्छे से ना अपने फेस के ऊपर तकरीबन 2 मिनट जो है ना इस तरह आइसिंग कर लो, ठीक है, ताकि जितने भी आप लोगों के पोर्स हैं ना वो बंद हो जाएं। और फिर क्या होगा कि ऑयल जो है ना वो कम से कम आएगा। गर्मी है तो ये वाला स्टेप करने का तो और ही मज़ा आएगा। उसके बाद ये कि ये जो मॉइस्चराइज़र है ये मैं ऑयली स्किन वालों को रेकमेंड नहीं कर रही, मेरी ड्राई स्किन है तो मेरे पास ऑयली स्किन वालों का मॉइस्चराइज़र नहीं था। बट लेट मी टेल यू कि जो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स होते हैं ना वो होते हैं ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए, और इवन कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी यही जो रूटीन है ना वो फॉलो करेंगे ना बिफोर अप्लाइंग द फाउंडेशन, बहुत सूट करेगी। अच्छा, उसके बाद जो है जो प्राइमर है मेक श्योर कि वो मैटिफाइंग प्राइमर हो, ताकि जो आपके पोर्स हैं वो सारे ब्लर आउट हो जाएं, और वो फिल इन जब हो जाएंगे उससे ये होगा कि एक तो आप लोगों के पोर्स इन्हेंस नहीं होंगे, और दूसरा ये कि आपकी फाउंडेशन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी, केकी नहीं होगी। डोंट मिस प्राइमर्स, प्राइमर्स बिल्कुल मिस नहीं करने, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सब ये तीनों स्टेप्स कर लो, तीन बताएं चार बताएं, अच्छा खैर जब आप लोग ये सारे स्टेप्स कर लो उसके बाद ही आप लोगों ने फाउंडेशन पे आना है। मैं O2O की फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ जो कि ऑयली स्किन वालों के लिए ही है। मैं लिंक्स मेंशन कर दूँगी। आप लोगों ने ये जो है ना डॉटेड एक डॉट मेथड के तौर के ऊपर इसको अपने फेस के ऊपर आप लोगों ने ना पहले स्प्रेड कर लेना है। कोशिश करो कि उंगलियों से इस तरह लगा लो, उसके बाद जो है ना अपनी फिंगर्स से ही इसको थोड़ा थोड़ा जिस तरह अपने मुंह के ऊपर जिस तरह क्रीम आप मिक्स करते हो ना इसी तरह फाउंडेशन को कर लो, ठीक है। और अपनी जो मिडल ऑफ द फेस है ना वहाँ पे कम से कम फाउंडेशन, और बाकी के फेस के ऊपर आप लोगों ने फाउंडेशन कॉन्सेंट्रेट करनी है। इससे ये होगा कि जब प्रोडक्ट आपकी नोज़ पे और आपके अराउंड द माउथ कम होगा तो उसके और कम चांसेस हो जाएंगे कि वो ख़राब हो या गर्मी से पिघले या फिर वो केकी हो या स्माइल लाइंस हो, वो सब कुछ कम हो जाएगा। तो आप लोगों की एक फ्लॉलेस फाउंडेशन बन जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट कॉम्पैक्ट पाउडर, ये बिल्कुल मिस नहीं करना, स्पेशली जिनकी ऑयली स्किन है, क्योंकि अगर आप लोग ये मिस कर रहे हो ना तो आप लोगों का तो ये काम नहीं चलना, फाउंडेशन तो रहेगी नहीं ना। तो आप लोगों ने अपने पूरे फेस के ऊपर अच्छे तरीके से जो है ना ये पूरा का पूरा फेस पाउडर आप लोगों ने लगा लेना है। लूज पाउडर यूज़ कर सकते हो, कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हो, इवन ऑयली स्किन वाले जो है ना वो बेकिंग भी कर सकते हैं। तो बेकिंग नहीं भी करनी, बेकिंग होता है कि आप अपने जो ढेर सारा पाउडर जो है ना वो रख लेते हो अपने फेस के ऊपर और आफ्टर सम टाइम आप इसको रिमूव करते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप इज सेटिंग स्प्रे। मेक श्योर कि आप लोगों का जो सेटिंग स्प्रे है वो मैटिफाइंग है, प्रोडक्ट्स के ऊपर मेंशनड होता है, इसको अच्छे से अपने फेस के ऊपर आप लोगों ने स्प्रे करना है। जितनी भी पाउडरी फिनिश है ना वो सारी रिमूव हो जाएगी और एक बहुत अच्छी फाउंडेशन आ जाएगी। लास्ट स्टेप इज कि कोई भी टिश्यू लो, उसको अच्छे से फोल्ड करो और अपने फेस के ऊपर पैट करना है, आप लोगों ने प्रेस करते जाना है जहाँ जहाँ पर आप लोगों को ऑयल आता है। तो जितना कोई बचा वगैरह ऑयल होगा वो इसके अंदर सोक हो जाएगा, लेफ्ट ऑफ फाउंडेशन जो है वो उतर जाएगी। इस तरह से एक फ्लॉलेस फाउंडेशन जो कि लॉन्ग लास्टिंग होगी वो आप लोग तैयार कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी फॉर मोर।